तो अगर आपके भी फ्रिज में बचे हुए चावल हैं एंड आपको नहीं पता दैट उनका क्या करना है, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी एंड अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रात के बचे हुए चावल की रोज़ खीर। तो जितनी भी रोज़ खीर की रेसिपीज़ आपने आज तक देखी होंगी उससे बहुत ही अलग और टेस्टी होने वाला है, बिकॉज इसमें जाने वाला है एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो रोज़ खीर बनाने के लिए मैंने ले लिया एक जार दूध एंड उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 पीसेस इलायची की, जिनको मैंने हल्का सा पीस लिया है। तो दूध के उबलते ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बॉल रात के बचे हुए चावल का। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो बचे हुए चावल हैं वो थोड़े से स्टिकी हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गर्म कर लेंगे ताकि वो एक एक दाना जो है वो अलग हो जाए। सो अब बारी है इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने की जिसकी मैं बात कर रही थी। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप वो वाला पानी जिसमें मैंने चावल बॉईल किए थे। सो अगर आपके पास बॉयल्ड राइस वाटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि राइस को जो पहले दिन बॉयल करके उसका पानी जो है आप रख सकते हैं एंड अगले दिन इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको करने दिया एंड अभी ये थोड़ा सा थिक हो गया है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ किशमिश। आप चाहें तो इसमें काजू और पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से फ्रेश एंड थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप एंड अब बारी है इसमें ऐड करने की रूह अफ़ज़ा। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा एंड अगर आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं रोज़ वाटर का। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो अब बारी इसमें ऐड करने की शुगर, बट आप एक बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि रूह अफ़ज़ा जो है उसमें पहले से शुगर होती है एंड काफ़ी स्वीट होता है वो, तो आप शुगर जो आप जितनी लेते हैं उस अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेंगे इसमें। मैंने इसमें ऐड की है 1/4 कप चीनी एंड साथ ही साथ इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 1/4 कप क्रीम यानी कि मलाई। ये पूरी रेसिपी आपको लो या मीडियम फ्लेम पे ही पकानी है एंड तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, रोज़ खीर को डेकोरेट करने की तैयारी करने वाली हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक बॉल की जो रिम है उस पर आप रूह अफ़ज़ा लगा लेंगे पहले एंड उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़े से बादाम जो हो पीस लिए हल्के से दानेदार करके, आप उसको जो इसके ऊपर लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप बढ़िया करके जो इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बॉल के अंदर वाली साइड पे मैंने थोड़ी सी जो है रूह अफ़ज़ा लगा ली है। तो रोज़ खीर भी हमारी तैयार हो चुकी है, अब बारी है इसको बॉल में डाल के सर्व करने की। तो आजकल गर्मियों के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इसको ठंडा करके सर्व कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।